ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है तुम लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। वेल गाइस यार, आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ मॉड्स देने वाला हूँ जो कि आपके परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ आपके FPS भी बूस्ट कर देंगे। जैसे कि तुम ऊपर देख सकते हो मेरे FPS अभी आ रहे हैं, वैसे ही आपके FPS आ जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड पूरी वीडियो देखना, सारे मॉड्स मैंने दे रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट मॉड यहाँ पर हमारा अल्टरनेट करंट है। तो गाइस यार, इसका मैं यूज़ बता दूँ तो गाइस यार, आपके रेडस्टोन के बिल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी आप रेडस्टोन के बिल्ड्स बनाते हो, मतलब जो क्लॉक्स या फिर कुछ और जो भी बनाते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि आपके FPS को बूस्ट कर देता है और आपका लैग नहीं होता है। तो सेकेंड हमारा एप्पल स्किन, जिससे कि गाइस यार हमारे PvP में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। थर्ड है बैटल रॉयल ब्लेंड, इससे गाइस मुझे इसका इतना यूज़ नहीं पता, शायद ये FPS बूस्ट करता है। एंड यहाँ पर बैटल ड्रॉप आइटम का मैं यूज़ दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। वेल गाइज, बेसिकली ये मॉड क्या करता है, मैं कोई चीज़ आपको लेके दिखा देता हूँ इन्वेंट्री में से। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ डर्ट्स एंड अगर मैं इसको फेंकूंगा तो गाइज देखो यहाँ पर क्या ही रियलिस्टिक जाता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। इससे FPS तो बूस्ट नहीं होते पर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड की तरफ। ये है गाइज बैटर सोडियम वीडियो सेटिंग। तो गाइज इस मॉड्स का ये यूज़ है कि गाइज यहाँ पर ये अपने बैटर सोडियम की सेटिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना जाता है। ये हमारी नॉर्मल सोडियम की सेटिंग है, बहुत ही बैटर सोडियम की सेटिंग, तो बस यही काम करता है। बाकी आपको लगाना है तो लगाओ, वरना तो ये इससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है FPS पे। अभी चलो गाइज नेक्स्ट मॉड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट मॉड है हमारा बूस्टेड ब्राइटनेस, तो इसका मैं यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा है ये नॉर्मल ब्राइटनेस एंड अभी मैं लगा के दिखाता हूँ अपना मॉड्स भी हमारा नॉर्मल ब्राइटनेस एंड यहाँ पर मैं जल्दी से इसको फुल कर लेता हूँ। बूम गाइस, यहाँ पर कितना तगड़ा ब्राइट हो गया हमारा यंग, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो फिर गाइस यार अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड की तरफ। वेल गाइस यार, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मॉड है हमारा डायनेमिक FPS। तो गाइस डायनेमिक FPS हमारे FPS बूस्ट करता है एंड नेक्स्ट है लेटर चेस्ट प्लेट हुए पर। बेसिकली गाइज ये क्या करता है गाइज, हम मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं इलाइट्रा मतलब इलाइट्रा को पीछे रखता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर मैंने एक बटन सेट कर रखा, उसको अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक क्लिक में मेरा इलाइट्रा चेस्ट प्लेट स्वैप हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से बदल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके SMP में मदद कर सकता है, जो भी आप लाइफ स्टाइल के। तो बाकी इसका यही यूज़ है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉड की तरफ। तो नेक्स्ट मॉड है हमारा, यहाँ से मैं नीचे करके देखता हूँ एंड नेक्स्ट मॉड हमारे इनहेंस ब्लॉक एंटिटी। तो गाइज ये हमारे ब्लॉक एंटिटी को यह इनहेंस कर देता है, बाकी मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता है। एंड एंटिटी कर ही हमारा FPS को बूस्ट करता है, जो कि हम किसी मॉब से फाइट ले रहे हो तब करता है FPS बूस्ट। तो ये काम ज़्यादा काम का मॉड है अपने FPS बूस्ट के मामले में। तो यहाँ पर फास्ट चेस हमारी चेस को फास्ट ओपन करने के काम आता है एंड फेराइट कोर का, इस फेराइट कोर हमारे मेमोरी यूसेज को रिड्यूस कर देता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। एंड हाइड्रोजन भी गाइस हमारे मेमोरी यूसेज को रिड्यूस कर देता है। एंड यहाँ पर इन्वेंटरी HUD का, तो गाइज यहाँ पर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आर्मन HUD को। यहाँ पर गाइज आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सब चीज़ की सैचुरेशन दिखाएगी, ये दिख रही है आपको इलाइटर की सैचुरेशन। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मॉड है, PvP में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एंड यहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड लेके दिखा दूँगा आप लोगों को, देखो गाइज यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड की भी सैचुरेशन आ गई है। बाकी आप इसको बंद भी रख सकते हो, खाली आर्मर का भी ओपन कर सकते हो। तो लेट्स गो गाइज नेक्स्ट मॉड की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मॉड है हमारा क्राफ्टन गाइज, नेक्स्ट मॉड है हमारा क्राफ्टन, जो कि गाइज हमारे FPS बूस्ट करता है एंड गाइज FPS बूस्ट काफ़ी ज़्यादा कर देता है। एंड यहाँ पर केजी से ये अपने लोडिंग स्पीड को बढ़ा देता है, जो भी नाम है इसका। एंड लेजी DFU गाइज ये हमारे गेम को फास्ट कर देता है लोड होने में, ये भी गाइज। एंड यहाँ पर लिथियम अपने गेम को परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है मॉड्स के परफॉर्मेंस को। एंड यहाँ पर मेमोरी लीक फिक्स, तो ये भी हमारा FPS बूस्ट मॉड है। एंड नेक्स्ट मॉड है हमारा माउस ट्विक्स, जो कि गाइज यार इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ है, मैं दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पर मैंने ले रखी है अभी बहुत सारे पोशन ले रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर मैं इसको एक बार होल्ड करूँगा तो ये मेरी इन्वेंट्री में एक ही बार आएगा, जैसे कि मैं अभी होल्ड करता हूँ तो ये मेरी इन्वेंट्री में आ चुका है। एंड अगर मैं होल्ड करके सबको एक साथ स्वैप करूँगा तो गाइज सब मेरे पास आ जाएंगे एक साथ, जो कि आप PvP में हेल्प कर सकते हैं। एक बार और दिखाता हूँ, ये देखो एकदम से हम PvP में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हेल्प करेंगे आपकी। ओके, तो नेक्स्ट मॉड हम जल्दी से देख लेते हैं अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट मॉड है हमारा नो हर्ट कैम, तो इसका मैं यूज़ दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली गाइज अगर मैं इसको डालूंगा तो गाइज मेरी स्क्रीन कितनी सेक कर रही है, एंड अगर मैं मॉड्स ऑन करके देन इसको डालूंगा तो गाइज बिल्कुल भी मेरी स्क्रीन शेक नहीं कर रही है। आप देख सकते हो मेरे ऊपर आग लगी है फिर भी स्क्रीन शेक नहीं कर रही, बस हट जा रहे हैं। ये गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे सामने बंदा है एंड हम इसको आराम से भेज सकते हैं बिना स्क्रीन शेक के। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड की तरफ। तो नेक्स्ट मॉड है हमारा नॉट इन क्रैशेस, तो गाइज यार अपने क्रैशेस को
बंद कर देता है एंड यहाँ पर प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर हमारे पीवीपी में काम आता है, जो कि हमारे प्लेयर की हेल्थ दिखाता है एंड रिजोल्यूशन कंट्रोल गाइस, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम का मोड है, ये शायद किसी ने दिया हो पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये है गाइस। यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो गाइस देखना यहाँ पर मेरे रिजोल्यूशन बढ़ जाएंगे, जिससे मेरी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो गाइस बेसिकली पंजाब लॉन्चर में क्वालिटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पर हमारे FPS मैटर करते हैं, तो मैं जल्दी से इसको कम कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अभी FPS भी बूस्ट हो रहे हैं गाइस, ऊपर देख सकते हो आप लोग FPS बूस्ट होने स्टार्ट हो गए मेरे, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो गाइस आप इसको कितना भी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो, एक एक पिक्सल मतलब इतना बेकार हो जाता है ना इसका, पर FPS भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं जैसे कि आप लोग ऊपर देख ही सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 75 रखता हूँ, इससे देखना गाइस मेरे FPS भी थोड़े बहुत बूस्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हो अभी मेरे 70 FPS आ रहे थे, अब थोड़े बहुत बूस्ट हो चुके हैं, 80-90 आ रहे हैं अब, और 100 पार भी चले गए। ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मोड है, आपको लगा सकते हो इसको। एंड अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, जल्दी से मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट मोड कौन सा है हमारा। एंड नेक्स्ट मोड है हमारा स्मूथ बूट, जो कि गाइज हमारे इम्प्रूव करता है वो प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को। गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे में CPU नहीं होता है। एंड यहाँ पर सोडियम एक्सट्रे, ये तो मेन मोड है। स्ट्राइड लाइट गाइज यहाँ पर लाइट की उसको फिक्स करता है परफॉर्मेंस को। एंड यहाँ पर WI जूम का मैं बता देता हूँ आपको क्या यूजेस है। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर V दबाते हो एंड यहाँ पर इसको जूम करके अपने माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उससे करोगे, तो गाइज यहाँ पर आपको एक एक पिक्सल दिख जाएगा, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है सर्वर वगैरह में। एंड यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक और बार दिखा देता हूँ गाइज कितना ज़्यादा जूम हो सकता है। वैसे आप ऑप्टिफाइन में नॉर्मली जूम करते हो, खाली वो एक बार होता है। तो होपफुली गाइज यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे और कॉन्टेंट देखने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।